अगस्त माह की 21 तारीख को शुक्र अपनी राशि परिवर्तन कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। आइए जानते हैं कि शुक्र के कर्क राशि में प्रवेश से 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा। मेष, अभिलाषाएं पूर्ण होंगी, आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, भोग विलास की सामग्री प्राप्त होगी, संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे, वाहन सुख प्राप्त होगा, संबंधियों से स्नेह प्राप्त होगा, माता से लाभ होगा, मन प्रसन्न व आनंदित रहेगा। वृषभ, साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, अधीनस्थों का सहयोग प्राप्त होगा, भाग्योदय होगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। मिथुन, धन लाभ होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, संतान प्राप्ति का योग बनेगा, विद्यार्थी वर्ग को परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी, विद्या अध्ययन में रुचि बढ़ेगी, शत्रु पराभव होगा, स्त्री सुख प्राप्त होगा, नवीन वस्त्राभूषणों की प्राप्ति होगी। कर्क, धन लाभ होगा, शत्रु परास्त होंगे, अविवाहितों का विवाह होगा, घर में संतान का जन्म होगा, व्यापार में लाभ होगा, विद्यार्थी का मन अध्ययन में लगेगा, स्त्री जाति से लाभ होगा। सिंह, मित्रों से लाभ होगा, आर्थिक उन्नति होगी, भोग विलास के संसाधनों की प्राप्ति होगी, उत्तम शैया सुख प्राप्त होगा। कन्या, धन लाभ होगा, कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, प्रेम संबंध सफल होंगे, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। तुला, धन वैभव और संपन्नता बढ़ेगी, पुराने कानूनी विवाद सुलझेंगे, परिवार में मांगलिक आयोजन होगा, सेहत अनुकूल रहेगी, सफलता दस्तक दे सकती है, वाणी पर संयम रखें, अनावश्यक विवाद हो सकता है। वृश्चिक, शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक चिंता में वृद्धि होगी, व्यर्थ धन हानि होगी, कार्य क्षेत्र में विघ्न आएंगे, शत्रु प्रभावी होंगे, स्त्री जाति से कष्ट होगा, राज्य की ओर से परेशानी आएगी, संबंधियों से विवाद होगा। धनु, धन लाभ होगा, संकटों से मुक्ति मिलेगी, भोग विलास की सामग्री प्राप्त होगी, संबंधियों से लाभ होगा। मकर, प्रतिष्ठा धूमिल होगी, अथक परिश्रम का अपेक्षित फल प्राप्त नहीं होगा, जीवन साथी से विवाद होगा, स्त्री जाति के कारण अपमानित होने की संभावना है, धन हानि होगी। कुंभ, शत्रुता में वृद्धि होगी, शत्रु प्रभावी होंगे, साझेदारी से हानि होगी, जीवन साथी से मतभेद होंगे, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना है। मीन, पुत्र से लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, शत्रु पराजित होंगे, पुत्र जन्म के योग बनेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी, प्रेम संबंध सफल होंगे। अशुभ शुक्र की शांति के लिए उपाय, शुक्रवार के दिन ब्राह्मणों को खीर खिलाएं, पांच शुक्रवार खीर मंदिर में दान करें, श्वेत चंदन बहते जल में प्रवाहित करें, सात शुक्रवार चींटियों को आटा व शक्कर मिश्रित कर डालें, शुक्रवार को तुलसी का पौधा रोपित करें, सफेद गाय दान करें।